हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आई हूँ आलू परवल का सब्जी लेकर के, जो मैं डेली बनाती हूँ घर पे। तो आज मैं यही बनाई हूँ आलू परवल का सब्जी। तो देखिए मैं किस तरह से इजी तरीके से बनाती हूँ और कम ऑयल में बनाती हूँ। तो देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं परवल को कट करके रख ली हूँ और प्याज को, दो प्याज को कट करके रखी हूँ, और 10 से 12 कली लहसुन का, और मिर्ची और अदरक ये मैं मिक्सी जार में डाल रही हूँ। इसमें 1 टीस्पून हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 2 स्पून छोटा स्पून से मैं दे रही हूँ धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा भुना हुआ जीरा, और खड़ा जीरा हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून सौंफ। मैं सभी को इसको मिक्स करके, मिला करके, पीस करके आज मसाला में यूज करूँगी। आज सूखा पाउडर नहीं डालूँगी। आज इसको जा रही हूँ मैं मिक्सी में पीसने के लिए। तो मेरा यहाँ पे देखिए पेस्ट की तरह बन गया है। तो आज मैं इसे ही बनाऊँगी, बहुत ही टेस्टी होता है सब्जी। मैं इसमें मसाला ज़्यादा लगा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसका निकाल लेती हूँ मसाले को। ये इस तरह का सब्जी सिर्फ 10 मिनट में बन करके रेडी हो जाता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ सब्जी बनाना। मैं इधर 5-6 आलू बॉयल करके रख ली थी, तो अभी मैं इसको, इसका छिलका उतार करके लाई हूँ। अब इसको मैं कट करूँगी, बहुत अभी गर्म है, आप देख पा रही होंगी, इससे अभी धुआं निकल रहा है, गर्म के कारण भाप निकल रहा है। तो मैं इसको कट कर रही हूँ, हो गया मेरा कट किया हुआ। अब मैं सारा सामग्री लेकर के इधर आ गई हूँ। मैं अब गैस पे अपना कढ़ाई को रख चुकी हूँ, गर्म हो चुका है। इसमें मैं देखिए 1 टीस्पून ऑयल डाली हूँ, मस्टर्ड ऑयल, और इसमें 5 फोरन, अजवाइन, जीरा, सरसों, मेथी, सौंफ सब मिक्स करके जो रखती हूँ वही, 1 टुकड़ा दालचीनी, थोड़ा सा हींग 1 टीस्पून के करीब, 2 तेज़पत्ता। सब मेरा ये पक गया। अब इसमें प्याज जाएगा, 2 बड़ा प्याज मैं कट करके रखी थी। अब इस प्याज को मैं हल्का ब्राउन कलर करूँगी, फ्राई करूँगी हल्का, और इसमें बीच बीच में सारा मसाला जो डालने का होगा मैं डालते जाऊँगी फ्राई करते करते। तो अभी ये मैं थोड़ा सा और टमाटर और मिर्च, ग्रीन चिली कटा हुआ था वो मैं डाल रही हूँ। अब इसमें मैं जो पीस करके मसाला रखी हूँ उसको मैं डालने जा रही हूँ। एकदम हट करके टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी बन जाता है सब्जी, बस वही पाउडर को पीस करके देने से, और थोड़ा सा ग्रीन चिली, अदरक ये सब अलग से डाल करके। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी, 2 स्वाद के अनुसार इसमें नमक जाएगा। आप मिर्च कम ज़्यादा कर सकती हैं, आप अगर तीखा खाती हैं तो इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली भी डाल सकती हैं। मेरे घर में रेड चिली नहीं चलता है, मैं सिर्फ ग्रीन चिली ही यूज करती हूँ। इसके लिए मैं जितना भी वीडियो बनाती हूँ सब में मेरे घर में इसमें ग्रीन चिली पड़ता है, और ये कलर लाने के लिए मैं ये कश्मीरी चिली मिर्च 1/2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। ये मैं सभी सब्जी में डालती हूँ जिसमें मेरा मन करता है कि बहुत अच्छा कलर आए। तो फिर देखिए इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आता है सब्जी में। अब मैं इसमें मेरा मसाला देखिए फ्राई हो गया। अब इसमें मैं ये कटा हुआ जो परवल है उसको मैं डाल रही हूँ।
परवल का मैं बीज निकाल ली हूँ, बीच में थोड़ा मोटा मोटा बीज था तो मैं निकाल दी हूँ, अच्छा नहीं लगता है बीज मैं इसको, बीज को आपको अच्छा लगता होगा तो आप उस तरह से बनाएंगी, मैं बीज निकाल करके बना रही हूँ। और अभी इसमें आलू नहीं जाएगा, आलू को मैं अभी 5 मिनट के बाद डालूँगी, ये बॉयल्ड आलू है तो मिक्स हो जाएगा पूरा एकदम अभी डालूँगी तो। अभी परवल को मुझे फ्राई करना है और इसको परवल को पकाना है अच्छे से, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इसको पकाऊंगी अच्छे से परवल को। मेरा आलू पहले से बॉयल है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी अभी डाली हूँ 1 कप के करीब, छोटा कप से। तो अब इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करूँगी, कवर करके रख दूँगी तो ये परवल जो है अच्छे से पक जाएगा। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। 5 मिनट हो गया, अब मैं देखती हूँ मेरा ये परवल कैसा है। देखिए सारा पानी और मसाला एकदम पूरा मिक्स हो गया, देखिए परवल अच्छे से पक गया। अब इसको 2 मिनट थोड़ा सा फ्राई करूँगी, पानी सब ख़त्म हो जाए उसके बाद अब इसमें मैं आलू को डालूँगी। आलू डालूँगी तो ये मसाला जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, अब इसमें पानी नहीं है मसाला में और मसाला भी अच्छे से पक चुका है तो अब ये आलू में मिक्स हो जाएगा अच्छे से। सब कोई घर में बनाता है लेकिन सब अलग अलग तरीके से बनाता है, आज मैं एकदम ईजी तरीके से बना रही हूँ, और इजी तरीके से बना रही हूँ लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है, आप एक बार ट्राई करेंगी। मैं जिस तरह से बना रही हूँ उस तरीके से, ये पराठा पे, पूरी पे, चावल पे, सभी पे ये सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं इसमें पानी डाल दी हूँ, अब इसको मैं फिर से ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गया, देखिए मेरा सब्जी यहाँ पे रेडी हो गया। अब आप ही बताइए कैसा है सब्जी देख करके, और रंजीता पाठक वर्ल्ड सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो देखिए और सब्जी बताइए कैसा है, अभी आप एक बार ज़रूर ट्राई करेंगी। तो देखिए मैं चावल, सब्ज़ी, रोटी ये सभी बनाई थी, तो देखिए मैं निकाली हूँ अभी खाना। तो चलिए मैं फिर आ रही हूँ न्यू रेसिपी के साथ में, संडे का रेसिपी लेकर के। बाय बाय।